ओम शांति। मुरली का तारीख है 9/12/2020। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निर्संकल्प ही कहेंगे। व्यर्थ नहीं प्रश्न, विकर्म से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। उत्तर, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वहां विकर्म बन जाता है। इसीलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निर्संकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवार्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निर्संकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलियुगी संसार और कलियुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्म से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निर्संकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है। परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं जानी चाहिए, मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते तो भी उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब या तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी ठहरा। जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाए जरूर काएंगे और जो विकारों से रहित है वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उनों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वहां तो तुम सब भी वोट देंगे। अब या तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम बच्चे भी जानते हो, अच्छे को सब अच्छा कहेंगे। जिसमें कुछ कामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। अब यह निश्चय करना है जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसीलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निर्संकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निर्संकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वहां तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुक्त कर चले जाते हो
वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहां तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सत्युग में शुद्ध संकल्प चलने कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता, समझा? अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति को परमात्मा ही समझा सकते हैं। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुक्त करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर ही हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा कानी पड़े, या गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है, या मंजिल बहुत बारी है, इसीलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, या तुम अपने को जानते रहो। जो खुद को नहीं समझ सकते वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्म को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता है, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। अगर तुम योग युक्त होकर कड़े रहेंगे तो देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी कायदे सिर आहुति नहीं दी है। उनका योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है, सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते हैं, अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं, उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है, उस बाप को साधारण रूप में ना जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी, बाकी जो पड़े हुए नहीं होंगे वो तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। या निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है, वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए, बल बोले होते हैं, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसीलिए बच्चे सावधान रहना, बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूं कौन, हु याम आई, मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को, मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब या मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा,
परमपिता परमात्मा की संतान हूं, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चों को खुशी तब होती है जब बाप के एक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है बाप के एक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता है, बाप के एक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वो नशा वहां खुशी चढ़ती जाती। तो पहले उनके एक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वहां कहाँ रहता है। अगर कहे आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाश हो गई तो खुशी किसको आएगी। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उस पर विश्वास करेंगे ना कि यहाँ बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स बताते हैं कि यह है दुख की दुनिया, जिसको नरक हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं। उनके एग्नेस्ट है हेवन अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। या तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि या वहां स्वर्ग नहीं है या नरक है अथवा दुख की दुनिया है, पापात्माओं की दुनिया है। तब तो उसको पुकारते हैं कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो या बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहां जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वहां अपने टीचर का अथवा बाप का एक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप तोड़े ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या। वहां तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि यहाँ ऐसा टीचर है। तब कहते हैं स्टूडेंट शोज टीचर, स्टूडेंट शोज मास्टर। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं वहां बैठ नए स्टूडेंट को एबीसी सिखलाएंगे क्या। कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वहां दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है, यह है डीटी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन चार देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन चार का एक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेस ऑफ वेल्थ, वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि या तो सब इस पर नाम पड़े हैं। अगर चार माताएं हैं तो उनके चार पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है, काली का पति कौन है? शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है, बहुत है जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं है। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन या कोई को पता नहीं है। तुमको समझाना है कि दुनिया या एक ही है। जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दौजक बन जाती है, वही फिर सत्युग में बहिष्ट अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इसी सृष्टि पर सत्युग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म वतन में तो कोई वैकुंठ है नहीं, जहां सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है, उनके चित्र यहाँ ही है, तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं। केल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती। लेकिन सभी बातों को छोड़, तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। अल्फ है गॉड, वहां सुप्रीम सोल है। जब तक यहाँ पूरा समझा नहीं है, तब तक परम पिता के लिए वहां लव नहीं जागता, वहां खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब
बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे तो खुशी है। इस पहली बात को समझने में गार्ड तो यवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है, उनके हम बच्चे हैं तो क्यों ना वह खुशी आनी चाहिए, वह गुदगुदी क्यों नहीं होती। आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम यवर हैप्पी मास्टर गॉड। वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को बच्चा नहीं समझते हैं। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी क्योंकि फादर को नहीं जानते हैं। बात तो सहज है, कोई कोई या ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है, बस इस अल्फ को भी जानकर साइलेंस में रहे तो वहां भी अच्छी है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा है। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकेंगे। वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसीलिए तो सन्यास करते हैं। होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना, सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदिदेव भी सन्यासी बना है ना, या सामने उनका आदिदेव का मंदिर खड़ा है जहां तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्म का सन्यास करो, वहां सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है, तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है, सन्यास करते ही है सुख के लिए, महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी सन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे पूर्ण चंद्र ने सन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। सेकेंड पॉइंट, स्टूडेंट शोज मास्टर, जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। यवर हैप्पी गार्ड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक बवा, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की वहां आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को भी परिवर्तन करना, किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक है। स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसीलिए इसका भी त्याग करो। अच्छा, ओम शांति।